जैसे आपने कहा कि हमेशा से चीज़ें छुपाई गई, डॉक्यूमेंट्स देखने नहीं दिए गए, क्या आपको ऐसा भी लगता है, क्योंकि आप भी एक इतिहासकार हैं, अब तो कम से कम अपनी बात कह पा रहे हैं, लेकिन इतने सालों से आज़ादी के बाद से कुछ चुनिंदा इतिहासकारों को हमेशा आगे बढ़ाया गया, उनको पेट्रनाइज किया गया, जो गांधी परिवार के नैरेटिव को ही आगे बढ़ा रहे थे, जो उनको सूट करता था, ऐसे ही इतिहासकारों का नाम आज हम सब जानते भी हैं? हमको जो चीज़ मना कर दी जाती थी, मैं आपको एक ही उदाहरण दूँ, जैसे प्यारेलाल पेपर्स, तो कई अरसे तक तो हमको कहा जाता था कि क्लोज कलेक्शन, अभी कंटिन्यूस हम लोग का सभी का डिमांड रहता था, जैसे मैंने प्रस्ताव रखा कि ये क्लोज क्यों रखा गया, किस मकसद से क्लोज रखा गया, जैसे दादा साहब मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो अहमदाबाद से ही थे, हमारे पहले अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, तो उनका कलेक्शन बहुत बड़ी मात्रा, उनकी पर्सनल डायरीज भी, मेरे को दादा साहब मावलंकर वो सरदार पटेल के एक अनन्य अंग थे, उनके जैसे मैं कहूँ सरदार ब्रेन थे तो दादा साहब हार्ट थे, जो सरदार की परंपरा को अहमदाबाद म्यूनसिपाल्टी में किसी ने आगे बढ़ाया तो दादा साहब मावलंकर, गांधी जी को जानना समझना है तो दादा साहब के पेपर्स में भी हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती, जैसे गांधी सरदार, अरे गांधी और दादा साहब के रिलेशन की एक किताब है, तो उसमें गांधी जी ने उनको इतना बड़ा आपने ड्राफ्ट करा, तो गांधी जी ने कहा एक पन्ना दो, तो गांधी जी ने एक ही पेज में छोटा सा ड्राफ्ट बना दिया, तब दादा साहब लिखते हैं कि मैंने पहली बार बापू में बैरिस्टर एम के गांधी और चंद वर्ड्स में ही उन्होंने ड्राफ्ट बना दिया। तो दादा साहब मावलंकर की जो डायरीज है वो पर्सनल डायरीज है, उन्होंने जो वो जमाने में फील किया वो उसको उसने शब्द दे दे दिया, तो वो डायरी आज अगर हमारे पब्लिक डोमेन में आती है तो वो जमाने के जो भी नेताओं के बीच के रिलेशन, वो जमाने की घटनाओं के बारे में, सरदार मावलंकर रिलेशन, मावलंकर नेहरू रिलेशंस, दूसरों के साथ के रिलेशंस, उसके बारे में आप डिटेल में जान पाएंगे सब, वो क्लोज कलेक्शन थे जो अभी रिसेंटली ओपन कर दिए गए, अब किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं। लेकिन क्या तभी जब ये क्लोज थे तो क्या कुछ इतिहासकारों को इनकी एक्सेस थी? हाँ, तो ये प्यारेलाल पेपर्स में से कुछ चीज़ें हमको मना करते थे, हमको नहीं देखने मिला, फिर किसी का किताब आने का था तो उन्होंने इसको ऑलरेडी देखा था, तो उसके कुछ नाम बताना चाहेंगे आप? नहीं, एक दो महीने पहले वो ओपन कर दिया गया, अभी तो सभी चीज़ें ओपन कर दी गई, जैसे मैं बताऊं कि गांधी जी का जो कलेक्शन है प्यारेलाल कलेक्शन, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में गुजराती के अंदर राइटअप है, क्योंकि गांधी जी गुजरात से थे, ज़्यादातर गुजराती में ही कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, लिखते भी गुजराती में थे, तो उसमें से एक छोटी सी नोटबुक मुझे देखने को मिली, तो उसमें स्वयं महात्मा गांधी ने महादेव देसाई के निधन के बाद अपने मेमोयर्स लिखना शुरू करा, महादेव भाई के स्मरण उन्होंने लिखना शुरू करा, और महादेव भाई का जब देहांत हुआ तब बापू की मनोदशा क्या थी, सबसे ख़राब मनोदशा तो कस्तूरबा की, रो रो के बुरा हाल था, और कस्तूरबा तो वो कहते थे कि मेरा बेटा चला, इसको तो मेरा अग्नि संस्कार करना था, ये कैसे जा सकता है, और कस्तूरबा ने महादेव भाई कुछ जिस तरह से उठाए, उठ महादेव उठ, तेरी बा बुलाती, यानी वो जो दिल के भाव, और गांधी जी ने उनके ऐश वो एक बॉटल में इकट्ठा किए और कई दिनों तक अपने माथे पे वो उनके भस्म को लगाते थे, तो ये चीज़ें आप देखें तो वो क्लोज था तो नहीं पता चला, आज बहुत बड़ी मात्रा में मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर से प्यारेलाल पेपर्स में से गांधी जी का और भी कलेक्शन मिलेगा जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में नहीं है। अब ये सारी चीज़ें क्या करेगा, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री में काम, इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा। अब ये दादा साहब मावलंकर की डायरी के अंदर कोई ऐसी बात कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री की मिल जाएगी, कंटेम्प्रेरी फ्रीडम मूवमेंट की मिल जाएगी, तो आपको दोबारा इतिहास लिखना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी सच्चाई बाहर आएगी जो अभी तक जो सबको बताया गया, दुनिया के सामने रखा गया, वो बदल सकता है, अगर 100 पेपर्स और जो मिसिंग पेपर्स हैं, जो उस जो क्लोज कलेक्शन था वो सारा अब पब्लिक डोमेन में रख दिया, अभी स्कैनिंग प्रोसेस बड़े पैमाने पे चलता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जितना खोल दो इतना बच्चे लोग पढ़ेंगे, क्या सच्चाई बदल जाएगी? हाँ, 100% रीराइट हिस्ट्री होगा, जो होगा वो हमको मानना होगा। क्या लगता है, क्या आप क्या बताएंगे? पूरा एक जो
अगर मिथ है तो मिथ का डॉक्यूमेंट्री खंडन हो जाएगा। जैसे गांधी सरदार रिलेशंस के बारे में एक नई रोशनी मिलेगी, हम जो मानते हैं ऐसे रिलेशंस हो भी ने ना भी हो। जैसे मैंने बताया कि भाई वल्लभ भाई कैसे चिरंजीवी में कन्वर्ट हुए, तो वो आप उनके पत्र व्यवहार को, हमें हमेशा यही बताया गया कि नेहरू जी को बहुत बहुत प्रेम करते थे गांधी जी हमेशा। ऐसा नहीं है गा, बहुत सारे आपको जैसे मनुबेन गांधी की डायरी में आप देखेंगे बहुत सारी एंट्री, पर उसका आगे पीछे अनुसंधान हमको देखना होगा किस कॉन्टेक्स्ट में बात है। हम उसमें से सिलेक्टिव वर्ड्स निकाल के अगर वो करेंगे, जैसे 23 सितंबर की एंट्री के अंदर साफ है गा, सरदार ने कहा कि मैं नेहरू बिना अकेला काम नहीं कर सकता, मगर दोनों के बीच में वैचारिक इतने मतभेद हो गए थे। तो गांधी जी ने कहा कि एक को अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट बना देते हैं, एक को प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते, तो भी इनके बीच में झगड़म झगड़ी तो चला था, तो नेहरू को बाहर भेज देते, तो वो एम्बेसडर बनाने की बात हो, तो फिर गांधी जी ने उसको एंडोर्स भी किया। हाँ, मगर एक साथ साथ में ये बात मैं ये भी कहूँगा कि उसी एंट्री के अंदर हमको ये देखने मिलता है कि बिरला जी ने जब गांधी जी कहा कि देश तो चाहेगा वल्लभ भाई प्रधानमंत्री होने चाहिए, तो गांधी जी ने कहा हाँ बात सही है, तो ये भी एक नया इतिहास क्यों नहीं है। अब उससे आगे मैं आपको बताऊं कि जब जूनागढ़ का इश्यू आया तो यही मनुबेन गांधी की डायरी के अंदर हमको एक ऐसी चीज़ मिलती है, तो गांधी जी ने कहा कि मैं जीना को अच्छी तरह जानता हूँ, मोहम्मद अली जीना की बात करते हैं, कि उसके मगज़ में क्या चलता होगा, ये जीना की स्ट्रेटेजी है, मगर मेरी स्ट्रेटेजी क्या हो, हमारी नेवी तो बहुत मजबूत है, अगर बॉम्बे से नेवी निकलेगी तो 2 दिन में कराची पोर्ट जीत लेगी, कराची को 1 मिनट में हम कॉन्कर कर लेंगे, इधर अमृतसर से सेना चलेगी ने तो 1.5 दिन में तो इस्लामाबाद हम जीत लेंगे, मगर मेरी बात सुनता कौन है, मेरी बात मानता कौन है। यानी गांधी जी सत्य अहिंसा सत्याग्रह की बात करते थे ज़रूर, पर गांधी जी वॉर स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात कर सकते थे, यानी जीना की जो स्ट्रेटेजी थी, जो वो तो एकदम गंदी राजनीति खेलने वाला बंदा था, तो गांधी जी ने कहा कि उसकी नीति का मुकाबला अगर करना है, उसकी कुटिल गंदी चालों का मुकाबला करना है, तो हमको भी काउंटर अपनी पॉलिसी बनानी। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो मैंने पहले भी आपसे इतिहासकारों से जुड़ा पूछा, तो आपको लगता है कि वो जो हम कह रहे हैं कि गांधी परिवार के जो खास इतिहासकार थे, बहुत सारी चीज़ें जानबूझकर छुपाई गई, उनको शायद उन पेपर्स की एक्सेस थी या जो भी था, आप लोगों से ज़्यादा थी, कुछ नाम बताना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के? नहीं, सो जो भी है वो अपने आप जब ये चीज़ें खुली होगी, पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें रखी जाएगी, तो उनकी असलियत भी सामने आ जाएगी, असलियत सबकी असलियत। अगर मैं कोई चीज़ छुपाता हूँ, मैं हमेशा क्या करता हूँगा कि जो एज इट इज़ है, जैसे गांधी जी स्त्री लिखते थे, स्त्री की जगह स्त्री, तो मेरे को गांधी जी ने राइट नहीं दिया है कि आप मेरी तो मुझे इनटू ब्रैकेट उसके बारे में लिख देना, आप समझे, जैसे गांधी जी की ओरिजिनल आत्मकथा मुझे नहीं मिली, पर मुझे इतना पता है कि नवजीवन और यंग इंडिया में सीरियलाइज हुई, तो उसको मैं ओरिजिनल मान लेता हूँ, क्योंकि वो ओरिजिनल गांधी जी के ही अखबार में ये पब्लिश होती थी, यानी हम फर्स्ट कॉपी उसको मान के चलते हैं, और उसके बाद की जो अलग अलग पब्लिश हुई, एडिशंस हुए, तो एडिशंस के अंदर हमको देखना होगा बदलाव हुआ तो कब हुआ, कैसे हुआ, देखा आपने हो? हाँ, वो उसके अंदर एक कुछ चीज़ें हैं, जैसे गांधी जी के ज़माने में फर्स्ट एडिशन बुक फॉर्मेट में आया, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो बुक बनी, मगर वो 2 पार्ट में आत्मकथा थी, तो ये जब कब आप देख पाएंगे, जब आपके पास अलग अलग एडिशंस होंगे, जैसे गांधी जी की आत्मकथा की पहली एडिशन और उसका पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे पास है, 2 पार्ट में पब्लिश होते, अभी एक आत्मकथा, अब तो गांधी जी के कॉपीराइट खत्म हो गए, जिसको भी छापना हो वो पब्लिश कर सकता है, प्रसिद्ध कर सकता है, तो वो टेम्परिंग होने की पूरी संभावना। तो आपको अर्लीस्ट कौन सा कॉपी, जो नवजीवन और यंग इंडिया में सीरियलाइज हुआ था, गुजराती में नवजीवन, इंग्लिश में यंग इंडिया, तो वो देखना हो, और फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ वो देखना होगा, और उसके बाद जितने भी एडिशन्स हो, आप 1-10 लोग बैठेंगे, 10 एडिशन में देखेंगे कहाँ चेंज हुआ, तो उसी तरह ये सरदार पेपर्स है या नेहरू पेपर्स है या अलग अलग पेपर्स है या दादा साहब की डायरीज है, बहुत सारी ऐसी डायरीज है, जैसे कस्तूरबा का डायरी या
नेहरू मेमोरियल में यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक है, तो वो जेल डायरी है। वो उसकी एक्सेस है सबको? हाँ हाँ, वो देख सकते हैं, मगर वो जब तक देखेंगे नहीं तो अपनों को पता नहीं चलेगा कि क्या है। जैसे गांधी जी की 1915 की ओरिजिनल डायरी, वो गांधी संग्रहालय के अंदर है, पर उसके अंदर भी कुछ पेजेस मिसिंग है। तो कब जानबूझकर वो गायब किए गए हैं? ये मेरा बहुत क्लियर मानना है, यानी कौन से वक्त पे निकालने के पीछे का मकसद क्या था। जैसे ये डायरी गांधी जी का देखें तो उसके अंदर आपको बहुत ही डिटेल के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि गांधी जी की ये जो डायरी है ना, इसमें आगे 45 लोगों के एड्रेस है जो द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में नहीं लिए गए, और मेकिंग ऑफ महात्मा के अंदर ये 45 लोगों का बहुत बड़ा किरदार था। चलिए, तो उसके संपादकों ने क्या देखा क्या समझा, वो भी एक चीज है ना। अच्छा, आप एडविना माउंटबेटन की जो चिट्ठियों की आप बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ब्रिटेन के अपने आर्काइव्स में भी बहुत सारा कुछ मटेरियल हो सकता है? हाँ, जिसको अगर देखा जाए, जांच पड़ताल की जाए, तो भी इतिहास का कुछ और एक रियल स्टोरी सामने आ सकता है। मेरा एक ऐसा नजरिया है, हमको ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जैसे मानो कि ये ओरिजिनल एडविना माउंटबेटन नेहरू जी के जो कॉरेस्पोंडेंस है, जिसने भी डोनेट करे, जिसके यहाँ से ये आया इधर, तो उनके वहाँ भी कॉपी तो हो गई। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ से अगर वो कॉपी का भी, हम कॉपी ऑफिशियल उसका जो भी चार्ज, वो जहाँ भी आर्काइव में हो, अगर वो लोग चार्ज लेते तो चार्ज ला के, चार्ज पे करके हम उसको यहाँ लाएंगे, तो क्या होगा कि जो एक मिथ चली आती है, शायद मिथ का खंडन भी हो जाए या उसको अनुमोदन भी मिल जाए। जब तक कोई चीज़ हम न देखें तो उसके बारे में नहीं बोल सकते। मगर ये इंग्लैंड में अभी माउंटबेटन पेपर्स बहुत बड़ी मात्रा में ओपन किए गए, थोड़े से बहुत 2-3% की मात्रा में वो सरकार की तरफ से उस पर रिस्ट्रिक्शन है, वो ही बाकी रहे, बाकी सब चीज़ें ओपन कर दी गई, और उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी, कुछ पिक्चोरियल हिस्ट्री भी हमको मिल सकती है। मैं यही सोच रही हूँ कि जब आप ये कह रहे हैं, आपका ऐसा मानना है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो सोनिया गांधी ले गई, वो तो एक अलग बात है, जो डिस्ट्रॉय किए गए, ये एक तरह से देखा जाए तो देश के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। वो हमारे इतिहास का हिस्सा जो भी डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, वो कुछ भी हो, लेकिन उस पर देश का अधिकार है। हाँ, 100% की अब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनती, एक ये राष्ट्र की, देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा संस्था है, बिल्कुल ये भारत सरकार के। क्या हम कभी किसी, हम जान पाएंगे वो किसने डिस्ट्रॉय किए, वो क्या पेपर्स थे जो डिस्ट्रॉय हुए? नहीं तो यही और तो क्या एक्शन होगा उसके? नहीं तो मैं यही तो डिमांड करता रहता हूँ कि इसके ऊपर एक शोध होना चाहिए, एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसका ऑडिटिंग होना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिटिंग होना चाहिए, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं कि ये पेज मिस है तो क्यों मिस है, ये इसका आगे के पन्नों से कुछ अनुसंधान है, इससे पहले इन पेपर को किसने देखा, किसको देखने दिया था, लास्ट में किसने देखा था, क्या देखा था, कब देखा था, किसकी प्रेजेंस में देखा था, वो सारी चीज़ें भी नए नाम से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो चले गए हैं सोनिया गांधी जी के साथ, वो कैसे वापस? तो वो वापस लाने के लिए उनसे पत्र व्यवहार, हम जहाँ जिस संघर्ष से शुरू की थी बात, यही आपका संघर्ष है। वहीं तो आप, और एक शुरुआत हो गई है, मैं वही पूछने वाली थी कि अब कुछ हो रहा है उस संघर्ष? हाँ, वो इसके बारे में वो काफी सारी चीजें, पत्र व्यवहार वगैरह शुरू हुआ है, जो कुछ भी बात हम अभी डिस्कस करते हैं वो सारी पत्र व्यवहार के माध्यम से भी चला है, गांधी परिवार को लिखा जा, हाँ वहाँ से भी लिखा जा रहा है, और इसके ये दिशा के अंदर अभी मैं मानता हूँ एक कॉन्क्रीट कार्यवाही। अब कोई लीगल उसका रास्ता अपनाया जा सकता है क्या, उन पेपर्स को लेने का? वो क्या मेरा मैं ओपिनियन देने के सक्षम नहीं हूँ, पर वो दिशा में काम चल रहा है। आपको क्या लगता है, आपका जो इतना लंबा संघर्ष चल रहा है, उसकी जीत आप कब मानेंगे? नहीं, ये हमको कोई भी माध्यम से अगर देखने मिलता है, अगर कहीं दूसरी जगह भी उसका कॉपी है, वो कॉपी मिलता है, जो अगर चीज़ नष्ट कर दी गई, जैसे पेपर श्रेडर मशीन के अंदर कोई चीज़ डाल दी गई है, तो वो तो कभी मिलेगा ही, पर उसके साथ हम कुछ लिंक करके उसको समझने की कोशिश करें, या मिसिंग लिंक को जोड़ने की कोशिश करें, तो कुछ उसका अनुसंधान हमको ज़रूर से मिलेगा।